नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। तो बस्तर संभाग मुख्यालय के कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा कक्ष में न्यायिक अधिकारियों का संभाग स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस विषय पर जानकारी देते हुए डायरेक्टर न्यायिक अकेडमी बिलासपुर से आए सुषमा सावंत ने बताया कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत 495 न्यायिक अधिकारी पदस्थ हैं। न्यायिक अधिकारियों के नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के लिए समिति गठित की गई है, जिनके द्वारा समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। एक डिवीजन दुर्ग है, एक जगदलपुर, एक अंबिकापुर, एक रायपुर और बिलासपुर। इस वर्ष का जो प्रशिक्षण सत्र है उसकी सबसे प्रथम डिवीजनल वर्कशॉप जगदलपुर डिवीजन के लिए आयोजित की गई है, जिसमें दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर और जगदलपुर के करीब 40 न्यायिक अधिकारी उपस्थित हैं। और इस वर्कशॉप में हमने न्यायिक अधिकारियों को डे टू डे वर्किंग में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे संबंधित वही जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम ने अंति संवेदनशील कॉलिंग क्षेत्र के ही विकासखंड मुख्यालय दरभा में स्वास्थ्य और शिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। कॉलिंग में उन्होंने बालिका और बालक आश्रम के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। बालिका आश्रम में चार दीवारी निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की भी बात कही। उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही बालक आश्रम परिसर सुव्यवस्था स्थित करते हुए मैदान निर्माण करने के भी निर्देश दिए। वहीं जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर डिमरपाल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और पुलिस के बीच विवाद के चलते मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने डीएसपी और उनके चालक के साथ मारपीट की। वहीं परपा थाना में प्रशिक्षु डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि डीएसपी विशाल गर्ग अपने टीम के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, तभी मारिंग चौक के पास युवक युवती को एक साथ देखकर पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की, जिसकी सूचना डॉक्टर ने अपने दोस्तों को फोन पर दी, जिसके चलते अन्य डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच हुए विवाद के बाद डॉक्टरों ने डीएसपी और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट भी की है। घटना कल रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की है और बताना चाहूंगी कि भीमरापाल से केशलूर के बीच एक सुनसान स्थान है, वह इस पूरे घटना का घटना स्थल है। और अदरवाइज भी यहाँ पूरे ज़िले में सभी संवेदनशील स्थानों पर रात में निगरानी के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से एक युवती उनको अंधेरे स्थान पर। वहीं जगदलपुर में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी पार्टी की एक एक्शन टीम तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर हमला करने के उद्देश्य से घूम रही है। इस विश्वसनीय सूचना पर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं किश्तराम थाना में माओवादियों ने अचानक पुलिस कर्मियों पर गोलियां चला दी। वन क्षेत्र में सतर्क पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। कुछ मिनटों तक माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी होती रही। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ स्थल पर तलाशी अभियान चलाया और फायरिंग की, जहाँ एक शव, एक SLR हथियार, एक बोर बंदूक साथ ही सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं दंतेवाड़ा में अरनपुर में कुछ पहले पुलिस वाहन पर हुए IED ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हादसे में मौके पर ही दंतेवाड़ा पुलिस के 10 सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में लगातार गश्त सर्च कर घटना में संलिप्त माओवादी और संदिग्ध लोगों की तलाश और पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त 3 नाबालिग का भी उक्त घटना में सम्मिलित पाए जाने पर उन्हें रिमांड पर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इसमें घटना में शामिल 4 आरोपी बुधरा माड़वी, जितेन मुचाकी, हड़मा मरकाम एवं एक नाबालिग जो मलांगेर एरिया कमेटी में मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों से पूछताछ करने पर 3 अन्य आरोपी हड़मा माड़वी एवं 2 नाबालिग के बारे में पता चला,
जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक एवं संरक्षात्मक वही दंतेवाड़ा में भ्रत का कार्य करने वाले एक युवक की अपने भाई से विवाद होने के बाद गुस्से में उसने गाड़ी पे आग लगा दी, जिसके बाद भीषण आग घर तक पहुंच गई और मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस विभाग मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। वहीं आग बुझाने से सब लोग लगे हुए हैं। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक पोलमपल्ली में तेंदुपत्ता तोड़ने गए हितग्राहियों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा पिछले दिनों से लगातार बस्तर के बीजापुर और अन्य जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से सूचनाएं दी जा रही थी। तहसील उसूर मोहनलाल साहू ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है तो वहीं किस लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जो खतरे से अब बाहर हैं। बाकी 15 लोगों को बासागुड़ा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।